हेलो दोस्तों, अब मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो जैसे मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम संबंधी विषय में बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, सीनियर का गलती है, सीनियर का गलती भी नहीं है। मान लीजिए जो भी न्यूज़ हो रहा है, मान लीजिए अपने मन से दे दे रहे हैं, चाहे ऊपर से आ रहा है, पर काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर सीनियर भी गलती नहीं है। मगर जहाँ पैसे की सवाल आती है कि आप जहाँ लिए दिए हैं, और आपको मान लीजिए आपको आवश्यकता है पैसे के अनुसार कि हाँ मेरा ये काम नहीं होगा, चाहे तो आप वहाँ पर डिमांड कर सकते हैं, पैसे की लेन देन कर सकते हैं, मांग सकते हैं कि भैया मेरा पैसा दीजिए, ये काम आप भाई नहीं होगा। मान लीजिए कोई कितना इंतज़ार करेगा, ये बात समझ में आती है। और दूसरी बात यह है कि अगर सीनियर को भी ये चाहिए कि जिनका है और वो कह रहा है, तो उसको आप समय और भरोसा न दिलाएं, क्योंकि 4 साल से टाइम देखना अधिक हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ उस पर कोऑपरेट करें। और जिनका भी अगर हर शहर चाह रहा है कि हम यहाँ से निकल जाएं, वो बेटर है, वो अपना पैसा वहाँ पर मांगने के लिए वो पूरा वहाँ पर हकदार है वो। तो मैं यही चाहूँगा कि हर एक जो हाँ जो भी कोई पैसा लेन देन किए हों, वो अपना मांग ले। देखिए, जो भी कोई मान लीजिए मेंबरशिप कार्ड है, चाहे जो भी कुछ है, अभी किनको नहीं मिला, चाहे कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, तो बैठ कर वो सीनियर से अपना पैसे के लिए लेन देन कर सकते हैं वो, कि हम भैया हमको पैसा आप दे दीजिए, वो आप अपना सीधे तरीके से। और वहाँ पर नहीं मान रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करें, सीधे पुलिस स्टेशन जाएँ, चौकी में बैठे एफ आई आर दर्ज करवाएँ और सीधे वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करा दें, बात ख़त्म है। ज़्यादा वहाँ से बात ही नहीं करना है और नहीं सुनना है तब, और सुनना है तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा है प्रक्रिया। अभी देखिए, अभी अभी ज्वाइनिंग के लिए देख रहे हैं, मार्च में अभी बताया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कोऑपरेट करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग को उजागर करना। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों वेरी मच।